अब बनाते हैं बैक के लिए। ठीक है, तो बैक के करने के लिए हमें इसी को दोबारा कॉपी करके नया बनाना पड़ेगा, और साथ में ये फंक्शन भी दोबारा बनेगा जबकि इसको हम डायनेमिक करते हैं, ये इस वाली चीज को। तो अब हम इसको कट करते हैं और एक फंक्शन बना लेते हैं, क्योंकि ये बार बार रिपीट होगा तो हमारा कोड थोड़ा बड़ा दिखेगा, इसलिए हम इसको डायनेमिक कर लेते हैं फंक्शन। और मैं इसका नाम देता हूँ गो स्लाइड, गो स्लाइड्स। और इसके अंदर हम ये लिख देते हैं, और यहाँ पे इसको इसको कॉपी करके यहाँ पे इसको कॉल करवा लेते हैं। जब नेक्स्ट पे क्लिक होगा, इसमें इंडेक्स में इंक्रीमेंट होगा, और इंक्रीमेंट होने के बाद में ये यहाँ पे जाएगा। हम पैरामीटर इसको नहीं दे रहे हैं क्योंकि इंडेक्स है ना एक ग्लोबल वेरिएबल है जो कि वो डायरेक्ट भी एक्सेस होगा यहाँ पे। ठीक है, चेक करते हैं कि अभी भी वर्क कर रहा है ना ये पहले की तरह। जी बिल्कुल वर्क कर रहा है। अब क्या करते हैं, इसको कॉपी करके बैक बटन के लिए बनाना पड़ेगा, तो इसी को कॉपी करके दोबारा पेस्ट करता हूँ, और आईडी जो थी वो बैक कर लेते हैं, प्रीव्यू PREV जो कि ये वाली आईडी थी हमने यहाँ पे लगा दी। क्लिक होगा, अब उसमें प्लस हो रहा था क्योंकि वो आगे बढ़ रहा था, लेकिन इसमें माइनस होगा क्योंकि पीछे जाएगा। जितना हमारा इंडेक्स होगा उसमें से ये 1 घटा देगा, उसके बाद में वापस कॉल होगा और ये वाला फंक्शन चलेगा। चेक करते हैं ये आगे की तरफ, 5 4 3 2 1, ये यहाँ तक तो सही कर रहा है, लेकिन जब 1 पे आकर के और करते हैं तो ये चला जाएगा माइनस में। माइनस में मतलब कि इंडेक्स जो है वो 0 के बाद में, क्योंकि इंडेक्स लास्ट इंडेक्स इसका 0 होगा, और इसमें से ये जब बैक का क्लिक होगा तो इसमें से और माइनस यानी 1 माइनस कर देगा। इसमें से जब 1 घटाएगा तो माइनस में वैल्यू चली जाएगी, और माइनस में तो हमारा किसी का इंडेक्स है ही नहीं, तो स्लाइड भी शो नहीं होगी। तो हम इसके लिए भी एक कंडीशन बनाते हैं कि ये माइनस में नहीं जानी चाहिए। इफ अगर इंडेक्स की वैल्यू माइनस में जाती है, यानी 0 से छोटी होती है, इंडेक्स की वैल्यू जो है वो छोटी होती है 0 से, 0 से छोटी होती है, तो इंडेक्स होगा लास्ट वाला इंडेक्स। लास्ट कौन सा इंडेक्स है हमारा? फोर्थ, यानी लास्ट पे शो हो जाए। यानी जब आगे बढ़ेगा और ये जब पीछे जाएगा तो माइनस में जाने के बाद में ये लास्ट पे आना चाहिए, जो कि सही चल रहा है। बिल्कुल, ये देखो आगे भी सही चल रहा है और पीछे भी सही चल रहा है। ठीक है, और ये कि हमारा स्लाइडर बन गया है। और अब क्या करेंगे, इंडिकेटर्स को हम बनाएंगे। मैं थोड़ी CSS इसकी कर्सर पॉइंटर कर देता हूं मैं इंडिकेटर्स के लिए। कर्सर है ना। अब क्या करेंगे, जब नेक्स्ट पे होगा ना तो ये इंडिकेटर्स भी चलना चाहिए। अब इंडिकेटर्स की वर्किंग करते हैं। तो इंडिकेटर्स को काउंट करने का हमारे फंक्शन बनाने की जरूरत है नहीं, क्योंकि जितनी हमारी स्लाइड होगी उतनी ही हमारे इंडिकेटर्स होंगे, ये चीज हमें पता है। तो अब हम क्या करेंगे, जैसे कि हमने इसमें बनाया हुआ है, स्लाइड्स का एक एरे बना हुआ है, वैसे ही हमें इसका एक एरे बनाना पड़ेगा। यहाँ पे एरे बनाया था ना स्लाइड्स का, वैसे ही हमें इंडिकेटर्स का एक एरे बनाना पड़ेगा। और एरे बनाते हैं, इसी को कॉपी करके यहाँ कर लेता हूँ, स्लाइड्स थी ना वैसे, इसको मैं LI कर लेता हूँ। ओके, ये क्लास के नाम से था, हमें टैग के नाम से लेना पड़ेगा, गेट एलिमेंट बाई टैग नेम। टैग नेम होगा LI, और इसको मैं LI दे लेता हूँ, या फिर डॉट्स
डॉट्स सही रहेगा नाम, इसको हमने डॉट्स नाम दे लिया। इसको कंसोल में प्रिंट करके देखते हैं कि क्या ये सही से एरे बन रहा है या नहीं। और कंसोल में जाके चेक करते हैं क्या उसका एरे बना नहीं बना, चेक करते हैं। बिल्कुल एरे में 5 वैल्यू है, सॉरी 11 एलिमेंट शो कर रहा है जबकि हमारे पास तो 5 ही एलिमेंट है। एक्चुअल में क्या है कि मेरे इसमें एक एंटीवायरस, मेरे पीसी में एक एंटीवायरस है, उसकी वजह से ये अलग से स्क्रिप्ट ऐड हो जाती है, तो उसकी वजह से ये लेंथ इसकी बढ़ा रहा है, बता रहा है। तो और ये li जो क्या करता है, ये फंक्शन क्या करता है, जो ये मेथड बना है, प्रॉपर्टी बनी है, ये एक चीज क्या करती है, ये पेज के पूरे ही li को उसका क्या एरे बना लेती है, जितने भी li टैग होंगे ना उन सबका एक एरे बना के इसमें स्टोर कर दिया। तो आप चाहते हैं कि नहीं, मुझे पूरे पेज का नहीं, एक पर्टिकुलर एक डिव है उसके अंदर के ही आइटम्स का एरे बनाना है, तो उसके लिए आप क्या करेंगे, उसके लिए हम करेंगे कि इसके ऊपर कौन सा डिव है, इंडेक्स INDI है और UL है, तो UL को आप एक आईडी दे लो, या INDI ऊपर से दे रखे हैं अपन, तो मैं एक आईडी यहाँ पे दे लेता हूँ, इसका नाम UL रख लेता हूँ, ठीक है। और यहाँ करता हूँ एक वेरिएबल UL नाम का, और उसमें करता हूँ डॉक्यूमेंट डॉट गेट एलिमेंट बाय आईडी से टारगेट करता हूँ यूएल को। हमने यूएल को टारगेट किया, अब यूएल के अंदर हमें टारगेट करना है li टैग को, तो इस डॉक्यूमेंट को हटा के, एक्चुअली में इस डॉक्यूमेंट का मतलब होता है कि आपके पूरा ये जो डॉक्यूमेंट है उस डॉक्यूमेंट में इस नाम की जो जो क्लासे हैं उनको टारगेट करना है, वैसे ही इस डॉक्यूमेंट में इस नाम की आईडी है यूएल नाम की, उसको टारगेट करना है। तो हमें अब चाहिए कि यूएल के अंदर इस एलआई नाम के जितने भी टैग है उसको टारगेट करना है और उसके अंदर डालना है डॉट्स को। अब डॉट्स को चेक करते हैं जो कि हमने कंसोल में शो करा रखा है, कंसोल में जाके हम चेक करते हैं, और यहाँ पे शो होता है लेंथ इसकी 5 आ रही है, मतलब बिल्कुल सही है, 0 पे अब सही से एरे बन रहा है, एरे हमारे पास बन चुका है। और इसको इसकी लेंथ 5 है जो कि स्लाइड्स की लेंथ के बराबर है, तो हम ये वाला ही टोटल स्लाइड्स या स्लाइड डॉट लेंथ भी यूज में ले सकते हैं, या डॉट्स डॉट लेंथ का एक न्यू वेरिएबल बना के उसको भी यूज में ले सकते हैं। तो हमें उसकी लेंथ की जरूरत नहीं है क्योंकि दोनों की लेंथ बराबर है, तो कोई सा भी वेरिएबल यूज में ले लो। अब क्या करते हैं, यही फंक्शन, ये जो फंक्शन है उसी के अंदर स्लाइड्स में हमने रिमूव करी थी एक्टिव, वैसे ही हम डॉट्स की, डॉट्स का एरे बना हुआ है, डॉट्स के एरे में हम रिमूव करेंगे एक्टिव नाम की क्लास को, और यहां पे ऐड भी करना पड़ेगा डॉट्स, और दोनों का इंडेक्स जो है वो सेम रहेगा, यानी स्लाइडर हो, स्लाइडर मान लो 3 पे गया तो ये भी 3 पे जाएगा, तो दोनों का इंडेक्स सेम है, तो इंडेक्स हम सेम रखेंगे क्लास लिस्ट, और ये सेम हो गया। अब चेक करते हैं कि ये वर्क कर रहा है या नहीं, नेक्स्ट नेक्स्ट नेक्स्ट, बिल्कुल सही वर्क कर रहा है।